महाराष्ट्र में पालघर जिले के बोईसर में पिछले कुछ दिन पहले एक 5 वर्षीय नाबालिग मासूम बच्ची के साथ लैंगिक अत्याचार करने की सनसनी घटना सामने आई थी, जिसमें बोईसर पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आखिर मुख्य 25 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल किया है, जिसका खुलासा खुद पालघर के पुलिस अधीक्षक दत्तात्रेय सिंधे ने किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बोईसर में रहने वाली नाबालिग मासूम बच्ची के साथ हुए घिनौने अपराध में घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने 12 वर्षीय नाबालिग बच्चे के खिलाफ लैंगिक अत्याचार पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार कर उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था। वही जब पुलिस द्वारा तह तक जाकर कड़ी जांच पड़ताल की गई तो इस घटना को अंजाम देने वाले असली मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो 12 वर्षीय नाबालिग बच्चे को जेल से छुड़वा कर निर्दोष मुक्त करवा दिया गया है। बाकी आगे की जांच बोईसर पुलिस कर रही है। बोईसर में जो पॉक्सो के अंदर घटना हुई थी, क्या कहेंगे उस बारे में? बोईसर पुलिस स्टेशन पालघर जिले में जो एक घटना हुई थी, जिसमें एक छोटी बालिका के ऊपर अत्याचार हुआ था, जिसके बारे में बोईसर पुलिस स्टेशन के अधिकारी, वहाँ के इंचार्ज PI श्री सुरेश कदम और उनकी टीम ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है और जिसके तहत जो अपराधी है उसको अरेस्ट करने में उनको कामयाबी मिली है। उसका भी PCR लेंगे और ये जो अरेस्ट है वो बहुत ही ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के कारण जो सबूत सामने आए थे उसके तहत उसको अरेस्ट किया गया है।